गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने आप लोग कल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, जो पहला क्लास था आपका। आज हम उसमें मैंने कल तीन अलग अलग रूल बताए थे आपको, तीनों का अलग अलग मीनिंग था, अलग अलग उसके उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था कि क्या चीज़ें रहेगी तो कैसे होगा। उसको एक बार हम रिवाइज करते हैं, फिर हम धीरे से आगे बढ़ते हैं। पहला क्या था आपका रूल, कि किसी भी नंबर में हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर हो या कितने बड़े डिजिट का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हम जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सीधे हमको जीरो मिल रहा था। एग्जांपल ले रहे हैं फिर से, और जैसे हमारा 36 था इंटू जीरो, इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारा जीरो ही आ रहा था। चाहे कितनी भी बड़े डिजिट की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। चाहे ये दो डिजिट का हो गया आपका, तीन चार, ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। दूसरा क्या रूल था हमारा, कि किसी भी नंबर में और हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर है, मान लीजिए यही 36 लेते हैं हम मल्टीप्लाई बाय वन, तो हम जब 36 को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वन टाइम बोल रहा है। जैसे हम टेबल पढ़ते हैं, टू वन या टू, थ्री वन या थ्री, हमें वन टाइम में वही मिलता है। सेकेंड टाइम उसका डबल होता है, हमारा वन टाइम क्या आंसर आ जाएगा, सीधा 36 ही आ जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर हो, जैसे 36 आपका ये हो गया, वन हो गया, इसको भी हम लोग वन से करेंगे तब क्या आएगा, यही आएगा। तीसरा क्या नियम था आपका, रूल था कि अगर कोई भी ऑर्डर में दिया हो मल्टीप्लिकेशन, जैसे कि आपका दिया हो 3 × 4 इक्वल टू 4 × 3 या 3 × 4 या 4 × 3, इसमें क्या हम देखे थे कल, कि जैसे 3 × 4 है, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 12 आ रहा था, ठीक। इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, हमारा 12 आंसर आ रहा था। इसको भी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसका भी 12 ही आ रहा था। बस में रूल में क्या था कि हमें जो नंबर है इसका जो प्लेस ऑर्डर है यहाँ पर चेंज हो गया था। ठीक है, राइट साइड में 4 है आपका, लेफ्ट साइड में 3 है, इधर क्या हुआ इक्वल के बाद कि पहले राइट साइड में 3 आ गया और लेफ्ट साइड में 4 आ गया, तो क्या हुआ, प्लेस ऑर्डर चेंज हो गया। तो हमसे मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे डिजिट को ऊपर नीचे कर दें या नीचे को ऊपर कर दें, आंसर सेम ही आएगा। जैसे हमारा 4 × 3 = 12 था, ये 4 × 3 = 12 हो गया। ये हमारे तीन जो नियम थे बेसिक, जो आपको हो जानने जरूरी होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बच्चों के क्लास 3, 4, 5 में आते हैं स्टार्टिंग से, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन हम ऐसे लेते हैं कि 3 × 8 इक्वल 8 × गैप करके आता है, एक ये क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन में ऐसे होता है कि 8 × 5 8। हम तीन एक से एग्जांपल ले लेते हैं देखने के लिए, 0 × 5 × 0, इसको देखते हैं हम क्या है। क्या होता है कि काफ़ी टाइम बच्चे सीधा इसको ऐसे ही 3 × 8 दिया है, क्योंकि पता है कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ भी आएगी, उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 3 करेंगे, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारा 24 आएगा। 24 इनको लगता है कि इक्वल है, यहाँ भी 24 ही आएगा, आंसर तो 24 ही आएगा, बट कैसे। बच्चे सोचते हैं कि यार ये इसको यहाँ उतार दो, तो इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 × 8 था, 24 आ गया, यहाँ पे 8 दिया है, ठीक है। तो यहाँ बोला है कौन सी वैल्यू यहाँ पे आएगी, कौन सी वैल्यू आपकी, कौन सा डिजिट आपका यहाँ पे आएगा। तो हम जब भाई हम यहाँ देखते हैं भाई 8 से 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 24 आया है, इक्वल के बाद यहाँ भी दिया है 8 दिया है, तब यहाँ क्या रहा, मुझे 24 आया है। तो अब इसलिए सी बात है भाई कि यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। क्यों होगा कि यहाँ पे 8 है, ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 24 आया है, इस साइड भी 8 दे दिया है,
यहाँ भी हमारा एक नंबर तो दे दिया है, जैसे यहाँ पे एट था, यहाँ भी एट दे दिया, यहाँ पे पूछ रहा था आपका भाई हम यहाँ थ्री में से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 हो जाएगा। इस सेम कंडीशन में 8 × 5 है, तो हमारा भाई यहाँ पे 8 दे दिया है, अब पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भाई 8 से हम 5 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 40 आ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे 40 आना चाहिए, भाई 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ 8 दे दिया है, तो भाई 8 में यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम भी यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये भी 40 हो जाएगा। बट काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि छोटे बच्चे को सीधे सॉल्व कर देते हैं कि यहाँ पर से हो गया, एग्जाम्पल जैसे बच्चे ले लेते हैं कि यहाँ 3 × 6 हो गया, यहाँ क्वेश्चन आता है 5, ऐसे ब्लैंक कर देता है, बच्चे सोचते हैं अब ऐसा क्या है, इसमें क्या होगा, कैसे होगा, वो उसका अलग अलग चीज़ होता है, इसमें क्या होगा ऐसा, इससे बच्चे सोचते हैं यार यहाँ 3 6 था, ये तो उल्टा हो गया, इसमें क्या करना है कि हमको पता है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमारा पता है कि इक्वल है, तो यहाँ भी 80 आना चाहिए हमारा, तो भाई यहाँ पे डिजिट अलग अलग दे दिया है, यहाँ पे सेम था तो हम नंबर जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे वो नंबर यहाँ से हम कर दे रहे थे, तो यहाँ सीधा वो डिजिट आ जा रहे थे, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे अलग है, 6 × 3 है, यहाँ पे 8 × गैप दिया है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वाली बॉक्स वाली, और 6 3 18 हो गया, अब 18 इसमें किस कितने टाइम्स 8 पढ़ेंगे तो आपका 18 आएगा, इसमें हम 8 टेबल में नहीं है हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 9 था, 9 लेते हैं, 9 ये हमारा यहाँ भी 18 लेना है, क्या हुआ कि अब हमें 18 लाना है, 9 × 18 हमें क्या हुआ, हमारा क्या बात चला कि जब डिजिट यहाँ इसमें कोई भी डिजिट यहाँ पे एक दी होती तो दूसरा डिजिट हमारा वाली हो जाता, बट यहाँ पे अलग था, यहाँ पे अलग था, तो हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई कर देख लेंगे, यहाँ 18 आ रहा था, यहाँ भी 18 आना चाहिए, 9 दिया था, तो भाई किससे अब करें कि मल्टीप्लाई की 18 आ जाए हमारा, तो 9 × 2 = 18 हो जाएगा। इसके और भी तरीके लाने के, बट छोटे बच्चों को ये बेसिक चीज़ें सही रहेगी इसे करने के लिए। यहाँ पे देखिए, हमें वो बताया था कि जो पहला रूल बताया था आपका कि 0 है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, अब 0 आ गया था आपका, अब यहाँ पे देखिए 0 था, इससे तो मैं बोल रहा था कि आपको कि इन दोनों में से कोई भी नंबर यहाँ पे दिया होगा तो दूसरा नंबर वहाँ उतर जाएगा, देखिए इन दोनों से कोई नंबर दिया आपका, यहाँ पे 0 दिया है तो 5 डैट यहाँ उतर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 0। ये एक और ये है जो क्वेश्चन आते हैं छोटे बच्चों को, हमें ये इन दोनों डिजिट में देखना ये है कि यहाँ भी डिजिट इसमें से कोई एक आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर दोनों डिजिट जो यहाँ पे 3 × 8 है और यहाँ पे भी 8 दे दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बस यहाँ पे इस कंडीशन में क्या था 3 × 6 था इक्वल 9 दिया था, हमें ये चीज़ें फाइंड करनी थी, ये वाली चीज़ तो हमें तो ये अलग था, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं था इन दोनों में से, ना 3 था ना 6 था, यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 18 आ गया, हमें भी यहाँ पे 18 आना पड़ेगा इक्वल करने के लिए, यहाँ पे 9 दिया है अंदाएंगे टेबल पढ़ेंगे कि 18 आ जाए, 9 × 2 = 18, यहाँ क्या होगा 2 हो जाएगा, सब टेबल पढ़ते हैं, सो आप टेबल पढ़ के कर देंगे, ये आपका हो गया। अब हम आगे देखते हैं आपका, इसके बाद मैं आप लोग को रोमन नंबर पढ़ाऊंगा अगली क्लास में, जब मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएगा आपका बेसिक, तो आगे चढ़ेंगे हम। अब देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, मतलब काफ़ी बच्चे जानते हैं बट एक बार कोशिश करते हैं हम बताने को आपको कि कैसे होगा। देखिए कोई भी मान लीजिए 2 digit का हो गया, कोई 35 × 2 लेते हैं, कभी भी क्या आता है इसे हम बोलते हैं 1 digit 10 digit, यहाँ पे से बढ़ते जाता है 100 बढ़ते जाता है, कभी भी हमारा जो ये यहाँ पे जो नीचे वाला नंबर है इससे मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर के साइड, आपका 2 दिया है यहाँ पे, आप पहले क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में, 2 5 = 10, देखिए 2 5 कितना आया, यहाँ पर देखते हैं आपका 2 5 = 10 आ गया, हम सीधे 10 को यहाँ नहीं लिखेंगे, पहली बात 2 5 = 10 आया तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंगल ये वाली राइट वाली डिजिट लिखेंगे, इसको बन के जो इधर आएगा उसको लिख देंगे 0, 2 5 = 10 0 आ गया,
अब वन क्या होगा, ये वन को हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरे वाले नंबर में। ये यहाँ पर क्या हुआ, थ्री टू जा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा कैरी हो गया, मतलब जोड़ देंगे अगले वाले में। थ्री टू जा सिक्स, सिक्स हो गया आपका, थ्री टू जा सिक्स, एक ये वाला जो बचा था, ये वाला क्या हो गया, सिक्स प्लस एक ये वाला वन यहाँ उतर जाएगा, सेवन क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। मैंने क्या किया, 35 था इंटू टू था, टू से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने टू को पहले फाइव से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा टू फाइव जै टेन आ गया, टेन आया आपका। मैंने राइट वाले वैल्यू टेन लिख दिया, टेन आया था आपका यहाँ पे, ऐसे देखो टेन आया था, ये मैंने राइट वाले वैल्यू जो वंस वाले पे है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जीरो को, वन को हासिल करते हैं आप, देखे सुने होंगे हासिल, हासिल लेते हैं इसको, हमने यहाँ पे हासिल ले लिया, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स आया, इसमें इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, सात बन गया, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखते हैं थ्री डिजिट में ऐसे क्या होता है, ऐसे थ्री डिजिट में ऐसे ही होता है, मान लीजिए थ्री फाइव टू लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम थ्री लेते हैं, इसे सेम वही कंडीशन करेंगे हम, क्या करेंगे पहला थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, टू से मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, सीधा जिससे करेंगे उसके नीचे जस्ट नीचे लिखेंगे, थ्री टू जा सिक्स, फाइव इसमें करेंगे सेकेंड वाले में, इसमें कोई हासिल नहीं था, ये सिंगल डिजिट में है, डबल डिजिट होता तब यहाँ पे हम ये वाला, यहाँ पर टेन आया था आपका, तब हमने जीरो लिया था, वन चला गया था, इसमें सिंगल डिजिट का है तो हमने यहाँ लिख दिया सिक्स को। अब देखिए यहाँ पे, अब थ्री से फाइव से करेंगे, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, पंद्रह, पंद्रह आ गया, ये डबल डिजिट का आ गया, इसे क्या लेंगे हम, राइट वाला ये वाला लेंगे, ये वाला इसको, तो ये क्या हो गया 15, हमने एक क्या किया कैरी कर दिया, इसमें दूसरे वाले में हम हासिल ले लेंगे, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन हो गया, थ्री थ्री जा नाइन आया, नाइन ही हो गया, ये जो एक था इसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ गया 10, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसके करेंगे उसके साथ नीचे आता जाएगा, इसमें करेंगे फिर इससे करेंगे फिर इससे करेंगे, ये आपका आंसर आ गया। अब दो डिजिट कैसे लेते हैं नीचे ऊपर दोनों का, देखिए कोई क्वेश्चन लेते हैं एक और, थर्टी वन थ्री फाइव मल्टीप्लाई बाई टू फाइव, देखिए इसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखिए 135 इंटू 25। अब क्या करेंगे हम, फिर ये यहाँ से पहले बार शुरू करेंगे, 55 जा 25, 55 जा 25, ये हो गया ना आपका 5 इंटू 5 और जो 25 हो गया, इसमें गया तो 25, इसमें हम 5 वाला यहाँ पे लिख देंगे, 5 लिख दिए तो कैरी इसमें चला जाएगा। अब इसमें करेंगे 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 क्या जाएगा 17 आपका, 17 आया, इससे फिर ये वाला लेंगे, 17 आ गया फिर 1 चला गया, 5 1 जा 5 प्लस ये जोड़ लेंगे 6, ये आपका हो गया एक। अब देखिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ शुरू किए थे हम, यहाँ से शुरू किए थे 5 वाले से, यहाँ किए फिर यहाँ किसके नीचे लिखे, इससे किए तो इसके नीचे लिखे हम, अब यहाँ से हम 10 डिजिट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया, यहाँ से करें तो यहाँ से शुरू करेंगे अब, 25 जा 10, 10 का 0 हो गया, 10 आया तो 0 लिख देंगे हम, 1 चला जाएगा यहाँ पे दूसरे वाले पे, 2 3 जा 6, 6 प्लस 7, अब 2 1 जा 2 आ गया, इसको हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर इंटू है उससे कोई मतलब नहीं है, ये है कि इसको कैंसिल किया गया है, यहाँ कुछ नहीं है, इसको 5 ऐसे उतार देंगे हम, यहाँ पे प्लस होता है, ये 7 हो गया आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, यहाँ 5 आ गया, 7 प्लस 0 7, 6 प्लस 7 13, तो 3 हो गया, एक हाथ से चला गया, 2 प्लस 1 3 हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह बस सीरीज बढ़ती जाती है और कोई नहीं करना है, थ्री डिजिट के नीचे पर रहेगा तो तीनों मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर ये दूसरा वाला यहाँ शुरू था, तीसरा वाला यहाँ शुरू हो जाएगा, ये आपका हो गया। मल्टीप्लिकेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें टेबल याद होनी चाहिए,
मिनिमम हमें छोटे बच्चों का मिनिमम 15 तक तो याद ही होना चाहिए, 2 से 15 तक तो भाई याद होना चाहिए। और सबसे अच्छी चीज़ यही है कि 2 से आप 20 तक याद कर लो। मल्टीप्लिकेशन में सब टेबल का खेल है, अगर टेबल का है तो हम इसको इंटू करते करते हम कर लेते हैं, जब वो टेबल नहीं पता रहे तो कैसे करेंगे। ये क्या आता है, इस समय याद होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, आपको 20 तक याद ही होना चाहिए। अगर जल्दी मल्टीप्लिकेशन करना है या आप कर पाएंगे तो, काफ़ी चीज़ें मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हैं, वो जोड़ते हैं तो उस तरह नहीं हो पाएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन याद ही होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में बेसिक चीज़ तो आपको हो गई, जो आपका थ्री रूल थे वो वाले मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखा दिया, आपके अलग अलग क्वेश्चन जैसे आते हैं, बाकी इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन डिपेंड रहते हैं और कुछ नहीं। तो इसके बाद हम आपका देखते हैं, तो अगले क्लास में हम रोमन नंबर पढ़ाएंगे आपको, इसमें कुछ बचता है तो मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा, तो आप कुछ कमेंट करेंगे तो फिर आएंगे चीज़ें हम इसमें, और जो क्वेश्चन होंगे हार्ड टाइप के या जो लगता होगा थोड़ा ये स्ट्रॉन्ग है मजबूत करना है हमें, क्वेश्चन नहीं फंस रहा है तो वो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे, थैंक यू।